मैंने उठाया कि ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं गया था इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, एक वैद्य परिवार के 4 लोगों की गला काट के हत्या कर दी गई। ये मुद्दा उठाना गलत है क्या? अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अपराध है क्या? आप मुकदमे लिख के मेरी आवाज को दबाना चाहेंगे योगी जी, उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? मेरे पास ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों के फोन आए। यूजन ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आशुतोष पांडे जी ने फोन किया, उसे बोले जो कुछ भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये मुद्दा उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ योगी जी, 1 नहीं 1000 मुकदमे आप लिखिए। अभी तो आपने सिर्फ 5 जिलों में मुकदमे लिखे हैं, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में है, 1700 मुकदमे लिखे मेरे खिलाफ। और अगर आप नहीं लिखवा पाते तो मैं सोचूंगा कि आपकी थानेदार भी नहीं सुनता। लिखवाइए 1700 मुकदमे। लेकिन ब्राह्मणों पर जो अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है, उस मुद्दे को उठाता रहा हूँ, उठाता रहूंगा। मेरे पास ठाकुर समाज के बहुत सारे लोगों का फोन आया, वो हत थे इस बात से, दुखी थे मेरे बयान से। उसे कह रहे थे आपने ये क्यों कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है, अगर एक सरकार आई है जो ठाकुरों का भला कर रही है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है। एक गाजियाबाद से रवि सिंह जी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको और आपकी पार्टी को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके बयान से दुखी हूं, आहत हूं। तो मैंने उनसे कहा कि योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य के नेता हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी ब्राह्मणों के नेता हैं, वैसे योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाकी जातियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे आपत्ति इस बात पे है, बाकी जातियों पे जुल्म क्यों हो रहा है, उनकी हत्या की घटनाएं क्यों हो रही हैं, लूट बलात्कार डकैती की घटनाएं क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में रोकी जा रही हैं? आप राम राज्य की बात करते हैं योगी जी। योगी जी मैं आपको बता दूं कि मैं प्रभु श्री राम की धरती अवध के क्षेत्र का क्षत्रिय हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने रघुवंशी माँ की कोख से जन्म लिया है, और प्रभु श्री राम के जो आदर्श थे उन्होंने सेवरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज ने नैया पे बिठा के भगवान श्री राम को नदी पार कराई, बानरों की भालुओं की रीछ की नल की नील की सुग्रीव की सेना बनाकर उन्होंने रावणों का नाश किया, अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी जनता के हित को प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा, ये राम का आदर्श। महाराणा प्रताप का आदर्श पीलों की सेना बनाकर, उनकी सेना के सेनापति थे हकीम खान सूरी और उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी। भगवान गौतम बुद्ध का आदर्श पिछड़ों की वंचितों की शोषितों की आवाज उठाने के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, राजपाट त्याग दिया। आपसे मुझे क्षत्रिय धर्म सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी जातियों के लिए सभी वर्गों के लिए काम करने की जिम्मेदारी एक निर्वाचित लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार की है। उत्तर प्रदेश में हम 24 करोड़ लोगों की सरकार चाहते हैं, सिर्फ ठाकुरों की सरकार नहीं चाहते, किसी एक जाति विशेष की सरकार नहीं चाहते, और ये कह देना अपराध है क्या? फिर कैसा राम राज्य है जहाँ सबके लिए काम ना हो, जहाँ सभी जातियों सभी वर्गों के लिए काम ना हो, सबका हित ध्यान ना रखा जाए? मेरे पास कल ओम प्रकाश राजभर जी मिलने आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक हैं, और उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है जिसमें नाई समाज के लोग भी हैं, जिसमें पाल समाज के लोग भी हैं, जिसमें निषाद समाज के लोग भी हैं, जिसमें राजभर समाज के लोग भी हैं, जिसमें कुशवाहा समाज के लोग भी हैं, और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि संजय सिंह जी जो आपने बात कही वो एक सच्ची बात कही, आज दूसरी पार्टियां हिम्मत नहीं कर रही हैं बोलने की, योगी के डर के कारण आपने बोला, आपको बधाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मेरी बात से सहमत दिखे। यादव समाज के लोगों का फोन आया, जाट समाज के लोगों का फोन आया, तमाम जातियों में इस बात को लेकर गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आजमगढ़ की घटना को उठा के देख लीजिए, लखीमपुर की घटना को उठा के देख लीजिए, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ब्राह्मणों के हित का भी ध्यान रखिए, यादवों के हित का भी ध्यान रखिए, पटेलों के हित का भी ध्यान रखिए, लोध के हित का भी ध्यान रखिए, निषाद के हित का भी ध्यान रखिए, राजभर के भी हित का ध्यान रखिए, तेली के भी हित का ध्यान रखिए, नाई के हित का भी ध्यान रखिए, सोनकर के वाल्मीकि के हित का भी ध्यान रखिए, जाटो समाज के लोगों का भी हित ध्यान में रखिए, गुजर हो जाट हो उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी जातियों के हित का ध्यान रखिए। हमें उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सरकार चाहिए, हमें किसी जाति की सरकार नहीं चाहिए।